और एक अहम खबर, ईडी कस्टडी से केजरीवाल का एक और निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए निर्देश जारी। सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 मार्च को जल मंत्रालय के लिए दिया था आदेश। तो एक अहम खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। जी हां, ईडी कस्टडी से केजरीवाल का एक और निर्देश आया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए निर्देश है। सुबह 10 बजे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इस निर्देश को लेकर करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 24 मार्च को जल मंत्रालय के लिए इससे पहले दिया था आदेश। तो जैसा कि दावा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जेल से ही अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे, जेल से ही करेंगे कामकाज, तो जेल से ही देखिए ये अभी कस्टडी में ही है वो ईडी के, और उसी दौरान ये निर्देश आ रहे हैं जिसको लेकर ये खबर है। 24 मार्च को जल मंत्रालय के लिए निर्देश जारी किए गए और अब स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश जारी किए गए। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ईडी के लिए क्या ये अब चुनौती बन गया है ऐसे निर्देश? कस्टडी में अरविंद केजरीवाल, फिर भी उनके निर्देश जा रहे हैं उनके मंत्रालयों को। बिल्कुल, देखिए ये सवाल उठ रहे थे कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो सरकार कैसे चलेगी, उसको लेकर के अगर देखिए तो हिरासत से ही आम आदमी पार्टी का जो दावा है उसके मुताबिक दो निर्देश जारी किए गए थे। पहले जल मंत्रालय को लेकर थे जिसमें आतिशी जो जल मंत्री हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोगों को परेशानी ना हो क्योंकि गर्मी आ रही है, तो उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के जो दावे हैं वो मंत्री और आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर के थोड़ी देर में जो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज उसका पर आगे ज़्यादा जानकारी देंगे। लेकिन इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जब कस्टडी में हैं तो निर्देश कैसे जारी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी खबरें आई थी कि उन्हें वहाँ पर ना तो कोई कंप्यूटर इस्तेमाल करने दिया जा रहा है ना कोई कागज़ इस्तेमाल करने दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि उन्होंने जो अपना संदेश है वो अपने मंत्री तक, जो उनके कैबिनेट के हेड वही हैं, उन तक पहुँचाया है और ये दुरुस्त करने के लिए कहा है कि जिस तरह से पानी की समस्या ना हो ऐसे ही दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधित लोगों की कोई दिक्कत ना है, कोई परेशानी ना है। कुल मिलाकर यही बताने के जताने की कोशिश की जा रही है कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए लेकिन वहां से भी उन्हें दिल्ली की जो जनता है उसकी चिंता है और उसी को लेकर के लगातार ये मैसेज देने की कोशिश जरूर है की जा रही है। लेकिन ये ईडी के लिए अपने आप में एक सवाल भी है कि आखिर कस्टडी में होने के बावजूद भी ऐसे निर्देश जा रहे हैं बाहर, ऐसा कम्युनिकेशन हो पा रहा है। और देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पीएम आवास का घेराव करेगी आम आदमी पार्टी। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। इसकी सूचना हमें भी है, इस चीज की कोई परमिशन नहीं है, मैं सबको बता देना चाहता हूं। और सफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमने लगा रखा है, कंसीडरिंग एवरी परस्पेक्टिव कि स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन या किसी और तरीके का भी डेमोन्स्ट्रेशन वहाँ पे करते हैं, दो चार आदमी आके करते हैं या एक ग्रुप आके करता है, उसके लिए हमने वहाँ पे अपना सफिशिएंट पीएम, पीएम रेजिडेंस, पीएमओ और अलग और इम्पोर्टेंट जो जगह हैं उन सभी पे ही हमने अपना सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जीत भाटी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। जीत, ऐलान तो है प्रदर्शन का, प्रोटेस्ट का और खासकर प्रधानमंत्री के आवास के घेराव का, तैयारियां क्या हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल, आपको तैयारियां मैं दिखाता चलूं। देखिए यही मेट्रो स्टेशन है पटेल चौक गेट नंबर 2, और देखिए यहां पर जब कोई आ रहा है तो उसका यहां पर कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि जो दफ्तर की तरफ उधर कल्याण जो प्रधानमंत्री आवास उधर कोई जाएगा तो उससे पहले कार्ड चेक किया जा रहा है, क्योंकि किसी का अगर कार्यालय है तो देखिए कार्ड और पहचान सुनिश्चित करने के बाद से जाने दिया जाएगा। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है, अपनी पहचान नहीं बता पाता है, तो उसके लिए जो इंतजाम है वो देखिए उसको इस तरफ आगे की तरफ निकाल दिया जाएगा। सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह चाक चौबंद है, और देखिए इसके चलते हुए ना सिर्फ पुलिस लगाई गई है बल्कि कुछ मेट्रो स्टेशन के दरवाजों को भी बंद किया गया है। मतलब मैं बात करूँ जो पटेल चौक के जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर दरवाजा बंद आगे की तरफ कर दिया गया, और देखिए धारा 144 जिसकी हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर उसकी भी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि धारा 144 जो है वो लगी हुई है। यहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, हालांकि जो कम्यूटर होंगे जिन्हें दफ्तर जाना है उन पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन कोई प्रदर्शनकारी होगा तो उस पर ये पूरी
तरीके से यह लागू किया जाएगा। ना सिर्फ ये पटेल चौक का मेट्रो स्टेशन के दरवाजे बंद किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास के पास जो लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी गेट नंबर 3 को बंद कर दिया गया है। तो पूरे इंतजाम यहां पर किए गए हैं। हालांकि जो कॉल है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 बजे का दिया गया है। सभी विंग जितने आम आदमी पार्टी की विंग है तो क्या जो प्रमुख इस बारे में बात हुई होंगे तो इसी जगह का दिया गया। उससे पहले देखिए कि इस प्रोटेस्ट की शुरुआत वो कहां से करेंगे, आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता कहां से शुरुआत करेंगे, पार्टी दफ्तर से या कहीं और जगह से या कहीं से भी वो एक जगह जमा होने की कोशिश करेंगे, क्या बताया गया? बिल्कुल देखिए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से सूचना दी गई है वो यही की दी गई है कि पटेल नगर मेट्रो चौक जो है पटेल चौक, यहाँ पर गेट नंबर 2 पर इकट्ठा होने के लिए सभी जो कार्यकर्ता उनको कहा गया है। और देखिए अभी प्रदर्शनकारी इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त आप देख लीजिए, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस वाले यहाँ पर तैनात कर दिए गए ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर इकट्ठा ना हो। और यहाँ पर लेकिन ये भी कोशिश की गई है कि जो आम कम्यूटर्स हैं जिनके आसपास दफ्तर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से उनके कार्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। तो यही वो स्पॉट है, यही वो पॉइंट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी ने आह्वान किया है कि तमाम जो के कार्यकर्ता हैं, तमाम जो अलग अलग विंग्स हैं वो सभी यहाँ इकट्ठा होंगे और यहाँ से आगे की तरफ जो प्रधानमंत्री का आवास है कल्याण मार्ग उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इंतजाम यहाँ दिख रहे हैं रवि, उससे लगता नहीं कि वो आगे जा पाएंगे। हाँ, पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है वहाँ पार्किंग की तरफ अगर कोई इकट्ठा होना चाहे तो उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है जी, आप नजर बनाए रखें, हम लौटते रहेंगे आपके पास अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।